मुझे एक ये सर्किल यानी दायरा दिया गया और इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका मुहित जो है वो 18 पाई 18 पाई के बराबर है, यानी कि ये जो मैं नीले रंग से इसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस बना रहा हूँ ये 18 पाई है, और इसके बीच में मैंने एक सेंट्रल एंगल डिफाइन किया है। ये एक सेंट्रल एंगल है जिसको मैं इस वक्त गुलाबी गुलाबी सा ये बना रहा हूँ, ये 10 डिग्रीज का है, 10 डिग्रीज का ये एंगल है। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि ये आर्क लेंथ, ये जिसको मैंने मेजेंटा से बनाया है, ये जो आर्क लेंथ है ये कितनी है और इसकी मेजरमेंट मुझे मालूम करनी है, और इस पूरे के पूरे इसका एक हिस्सा है। तो आर्क लेंथ याद रखिए, आर्क लेंथ और सर्कमफ्रेंस का जो आपस में रेशियो होता है वो किस बात के बराबर होता है, वो बराबर होता है सेंट्रल एंगल, जिसको कि मैंने अभी ये ऑरेंजिश कलर या गुलाबी जैसे जैसा आपको नजर आ रहा है उसमें बनाया, डिवाइडेड बाय, इसको मैं तकसीम करता हूं 360 डिग्रीज, यानी के पूरे सर्किल में जो एंगल्स की मेजरमेंट है उससे। तो यहां पर हमारे पास आर्क लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन 18 पाई बहरहाल हमें पता है कि इसका सर्कमफ्रेंस हमें दिया गया है। हमने आर्क लेंथ को ए अस्यूम कर लिया, फर्ज कर लिया कि ये आर्क लेंथ है, और सेंट्रल एंगल हमें बताया गया कि 18 डिग्रीज का है, जबकि पूरे के पूरे सर्किल में 360 डिग्रीज 360 डिग्रीज होते हैं। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों साइड्स को 18 पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 18 पाई से यहां भी मल्टीप्लाई किया और 18 पाई से यहां भी मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास सिर्फ ए रह जाएगा, 18 पाई ओवर 18 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां जो 10 ओवर 30 360 जो है वो 1 ओवर 36 मेरे पास रह जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 18 पाई डिवाइडेड बाय 36, और 18 ओवर 36 18 दूनी 36 होता, तो ये पाई बाय 2 मेरे पास रह जाएगा। तो ये जो लेंथ होगी आर्क लेंथ, ये पाई बाय 2 के बराबर होगी, इस पूरे सर्किल का ये पाई बाय 2 हिस्सा होगा 18 पाई के मुकाबले में। अब इसी सर्किल को मैं दोबारा से मैंने कॉपी करके पहले से रखा हुआ था, तो अब ये जो सर्किल है, अब एक और सवाल है, इसका सर्कमफ्रेंस तो वही 18 पाई है, लेकिन अब जो मैं सेंट्रल एंगल इसमें बनाने जा रहा हूं, एक बार फिर ये पूरे का पूरा ये ब्लूइश कलर में इसका सर्कमफ्रेंस है, और जो इसका सेंट्रल एंगल है वो मैं जरा बड़ा बना रहा हूं, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा हूं, मुनफरेजा जाविया बना रहा हूं, और बहुत बड़ा एंगल है, अच्छा खासा बड़ा एंगल है, और इसकी जो पैमाइश है इस एंगल की वो है 350 डिग्रीज, 350 दर्जे का है ये पूरा का पूरा एंगल। ये जो एंगल है जिसकी मैं पूरी की पूरी ये आर्क बनाने जा रहा हूं, तो इसकी आर्क लेंथ मुझे मालूम करनी है कि वो क्या होगी। ये इस पूरे के पूरे सर्किल से बनने वाली आर्क है, यानी कि वो आर्क जिसको ये सबटेंड कर रहा है। तो अब एक बार फिर जैसा कि हमें पता है कि एरिया ये आर्क की लेंथ, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस, इनका जो आपस में रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है सेंट्रल एंगल के मेजर, जो कि यहां पर हमें दिया गया है कितना, 350 डिग्रीज का दिया गया है, 350 डिग्रीज का दिया गया, डिवाइडेड बाय पूरे के पूरे सर्किल में जितने एंगल होते हैं, यानी कि 360 डिग्रीज जो पूरे के पूरे सर्किल में होते हैं। आप एक बार फिर 18 पाई से दोनों तरफ में मल्टीप्लाई करूंगा, नतीजा क्या होगा, इस तरफ से ये कैंसिल हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, यहां पर मेरे पास ए रह जाएगा। अब इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो 350 बटे 360 जो ये 35 ओवर 36 के बराबर होगा, सिफर सिफर एक दूसरे से कट जाएंगे और रह जाएगा 35 टाइम्स 18, बल्कि मैं इसको 18 टाइम्स पाई डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36। अब मैं इन दोनों को कैंसिल आउट करूंगा, तो ये 18 18 एकम 18, 18 दुनी 36, तो ये हो जाएगा 35 पाई ओवर 2, यानी कि 17.5, यानी कि 35 पाई ओवर 2, 35 पाई ओवर 2, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.5 पाई के बराबर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पाई बाय टू जो है दरअसल 0.5 पाई है, 0.5 पाई है, और ये छोटा वाला जो 10 डिग्रीज का एंगल था, जबकि ये 350 डिग्रीज का एंगल है, तो इन दोनों को जब हम आपस में जमा करेंगे तो 350 और 10 को जमा करेंगे 360, और ये जो पूरे के पूरे जो आर्क लेंथ है इसमें अगर आप गौर करें तो 0.5 प्लस 17.5 पाई आपस में जमा होकर 18 पाई बनाएंगे।